पैट नहीं है वो डॉक्टर यंत्र है यार, तू उसको जाके मारना, मुझे क्यों बोल रहा है। तो क्या हाल चाल दोस्तों, हमारा आज दिन हो चुका है शुरू। आज मेरे लिए एक्चुअली काफी स्पेशल मीटिंग है क्योंकि हम अपने ब्रांड को बहुत सीरियसली लेते हैं। जिस हिसाब से हम ब्रांड्स को बिल्ड कर रहे हैं, तो हमने एजेंसी को हायर करा, तो हम काफी स्पेशल लोगों के साथ काम कर रहे हैं। ये इंडिया के वन ऑफ द टॉप ब्रांडिंग टॉप डिजाइनर्स और की टीम है, एंड इन्होंने काफी बड़े बड़े ब्रांड जैसे नाइका के लिए पूरा रीडिजाइन करा। मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आज 8 घंटे की लगातार मीटिंग्स है, उसके बाद रात में हम कुछ क्रिएटर से मिलेंगे, जिसमें काफी ज्यादा फन होगा। आई होप आपको काफी नेक्स्ट लेवल लगेंगे ये सारी चीजें, एंड आप लोग बहुत नेक्स्ट लेवल प्यार दिखाते हैं, एंड आप लोग हमारे प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट करते हैं, एंड आई होप हम डिलीवर कर पा रहे हैं। क्योंकि हाँ भाई, जो आपका फीडबैक आता है आप में से हजारों लोगों का जो हम रोज देखते हैं, तो वो डेफिनेटली काफी पॉजिटिव होता है, एंड हम आपके फीडबैक पे भी वर्क करने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको आउटफिट दिखाता हूँ, ये देखो भाई का आउटफिट। आज मैंने पहन ली येलो जैकेट, मेरे को थोड़ा सा स्टाइलिंग तो सीखनी पड़ेगी, बट मैंने ये यीजीज पहन ली, ये मेरे पर्सन मेरे को बहुत प्यार लगते हैं। यीजीज बेस्ट। भाई आज मैंने नॉर्थ साउथ सब मिक्स कर दिया, चाहे यहाँ पे इडली डोसा चटनी और भाई पाव भाजी पनीर भुर्जी छोले। नील ने क्रिएटर कैंप आया था सबसे पहला, नील को ज्यादा इतना वो नहीं था, बट भाई इसके लिए हमको ज्यादा है, मतलब मेन तो ट्रिप ट्रिप सब इसी के लिए एक्सटेंड करते हैं। मेरे को ना थोड़ा दुख हुआ कि कोच ने वो लिस्ट निकाली है पूरी टॉप वर्ल्ड के क्रिएटर्स की, हम उसका पैसा ऐसा लिखा हुआ है कितना पैसा कमाते हैं क्या करते हैं, उसमें एक भी इंडियन क्रिएटर नहीं था। जो लास्ट में बंदा था वो $2 million कमाता था, कितने इंडियन क्रिएटर थे जो $2 million से ज्यादा कमाते। नंबर वन नेक्स्ट के 2 साल में भाई, मैं वर्ल्ड नंबर वन पे जब तक नहीं आएंगे ना तब तक मजा नहीं आएगा भाई। भाई और ये लोग भी तो रिलेटेबल ही है, KSI मिस्टरी ब्रांड चलाए इन्होंने, मम्मी अपने करा जा सकता है यार। मेरे को ऐसा लगता है कि यार नंबर वन स्पॉट भाई हमारे नाम ही होना चाहिए, हमने इतनी मेहनत करी है भाई, सब कुछ धंधा चलाना इंडिया बहुत मुश्किल होता है। बट अब नंबर वन स्पॉट के लिए भाई 24 महीने आए, 24 महीने भाई, 24 महीने भाई। आज डे वन लड्स को, आज जो मीटिंग है ना वही हमको लेके जाएगी, नंबर 10 तक तो वही ले जाए। मानी अगर देखना यार इस बार मिल नहीं पाया मुझे, इससे मैं सोचा तेरी से। बहुत सारी बिल्ली बिल्ली, ये भी बिल्ली, ये भी बिल्ली, ये भी बिल्ली, ये है पुकार आती है ये। भाई यार इसके लिए स्किन बनाओ ना। कौन सा वाला, कौन सा वाला? Vivo V27 Pro। चलो ठीक है डन। ये मुंबई का ओल्डेस्ट एलिवेटर है, बिल्डिंग ब्रांड्स ऑफ पर्पस। यहाँ पे सब कुछ डिजाइन डिजाइन वाला, बुक्स भी डिजाइन, यहाँ पे पुराना टेलीफोन, काफी सारे छोटे छोटे लोग। आज देखो हमने मीटिंग करी इसी वाले केबिन में, हम बैठे थे पिछले 8 घंटे से हम बैठे थे, प्रेजेंटेशन ये वो सारी चीजें, ब्रेनस्टॉर्म सेशन, अभी प्रोडक्ट भी ज्यादा दिखा नहीं पाएंगे आपको, बट लेयर्स के अगले 20 साल का डिसीजन आज हम ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे, तो बहुत इंटेंस था कि ब्रांड को किस डायरेक्शन ले गया। जो होने वाला है वो तगड़ा ही होगा, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। कैसी लगी आपको हमारी प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंटेशन? We loved it, we loved the vibe. अब तो बोलना पड़ेगा। What do you think about layers? I found my new cover and I'm putting it on my. कौन सा कौन? अच्छा this purple one. Layers as a brand is building a great community. The products are really cool. I see this cool green skin slapped on your phone. So guys, they've got some really good stuff. ये मैंने script दे दी थी भाई को। They've got some really good stuff coming soon. So कैसा लगा आपको हम बिलबोर्ड पे आ गए? बहुत ही एक्साइटिंग, वेरी हैप्पी इट इज। एक्चुअली उस टाइम तो बिलीव भी नहीं हो रहा था कि ऐसा हुआ है, सो या वेरी एक्साइटिंग फॉर अस। बताओ कैसा लगा भाई बिलबोर्ड? भाई मजा आ गया, देख मतलब वहाँ पे सामने देख के ना बहुत अच्छा लग रहा था। मिट पार्ट भाई का कॉल आ गया। हेलो भाई, क्या हाल चाल? कहीं मिलने थे होटल के आसपास पास नहीं मिलने थे? बट यार वो मेरे से 1 फुट लंबा है, थोड़ा सा हो जाता कॉम्प्लेक्स, बट कोई बात नहीं, हम जाते हैं मिलते हैं देखते हैं। अभी हम बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर और हम रेडी हो गए भाई मित भाई से मिलने के लिए। बाहर मौसम बढ़िया, जैसे भागता दौड़ता रहता हूँ पूरे दिन, तब कभी कभी थकान नहीं होती, बट जो मेंटल काम होते हैं ना 4-4, 5-5 घंटे के एक बार में, मैं बहुत दिमाग लगाता हूँ 10 चीजों में और मैं थक जाता हूँ। मतलब ये स्टेशन भाई क्या आपके अर्थल पर्थल कर रहे हैं? सही था, वीडियो बढ़िया था, ब्लॉग बनाया और अच्छा लगता है। ये देखो ये भी सुंदर है,
बहुत प्यार लग रहा है। हम जा रहे हैं अपने डायरेक्ट नए कॉम्पिटिटर से मिलने। हाँ भाई हम पहुंच गए। अरे भाई मैं कंपटीशन को सबक सिखाना है। मैं कुछ नया अनार ले लेता हूँ। अभी शूट ही कर रहा था क्या? हाँ मैं शूट करके आया नीचे की तुम लोग। भाई हमारा ना ये टाइम्स स्क्वायर वाला जो ब्लॉग था ना ये डाउन ले लिया यूट्यूब ने। पता नहीं आपने किसी बंदे में ज़ूम करा उसने बैग टांगा हुआ है कोई यूक्रेन के झंडे जैसा दिख रहा है या फिर कोई पता नहीं कुछ अजीब सा दिख रहा है। यार शिट यार मैंने तो कुछ नहीं करा यार। चल कर दे रही अपलोड कर दे यार। तू मेरे शादी को नहीं आया था ना? उस टाइम में तबियत खराब थी, मेरी भी तबियत खराब थी, मम्मी की भी तबियत खराब थी। मेरे को बड़ा दुख हुआ उस टाइम में। एक्चुअली मेरे एक और दोस्त की भी एंगेजमेंट उसको गया तो दोस्त के नहीं गया ना। हाँ किसी को नहीं जाने का, अगर जाने का तो मेरे को एटलीस्ट आने का। बट भाई मैं जानना चाहता हूँ सुपर फन हाउ इज मैरिड लाइफ। बहुत मजा आएगा शादी करने। क्या क्या चेंज होता है पहले बिफोर आफ्टर? काम कर रहे हैं हम लोग, काम अच्छे से और हो रहा है। मेरे को सच्ची में मैं शादी काम के लिए मैं बहुत शर्माने लगता है भाई। नहीं इतना शर्मा नहीं यार भाई, बहुत मजा आ गया फर्स्ट फैन फेस्ट का। उसमें करा गया पहले तो एक्साइटमेंट थी यार। पहले एक्साइटमेंट नहीं थी क्योंकि मेरे को मालूम नहीं था कि कैसे होगा वगैरह। जो हमने फैनफेस्ट देखा था वो जियो गार्डन में वगैरह हुआ था तो ये वाला अलग जगह पे था। सो बट व्हेन आई सॉ द क्राउड एंड एवरीथिंग आई वाज लाइक क्रेजी। कितना क्राउड था? बहुत तगड़ा था। आई मीन 5000 का वगैरह क्राउड था। ये 5000 तो बहुत तगड़ा है यार। बट नेक्स्ट ईयर मेरे को नाचने का था बट नाचा नहीं। अगले फैनफेस्ट में एक बार नाचेंगे। ओवरलेस का जैकेट पहन किधर है? अगली बार मैं ये जैकेट पहन के नाचूंगा भाई। कभी इसको इतना व्लॉगिंग करते हुए देखा नहीं है जितना आज कर रहा है भाई। को बनने का हफ्ते में 4 व्लॉग तो बनाए देता हूँ। प्लीज इसको सपोर्ट कीजिए। इसका जो व्लॉग चैनल है आई नो थोड़ा सा गरीब चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए इसके चैनल। अभी अभी खुद तगड़ा करेंगे व्लॉग भाई। बहुत उसके बहुत पैशन है, बता रहा था व्लॉगिंग में क्या करने वाला है। मिथ पैड लॉन्च करने वाला कुछ भाई, कुछ तगड़ा आने वाला है। बट भाई आज तो चैनल ही चैनल है मिथ पैड विथ प्लेस। यस एक तो हमारा कॉम्पिटिटर भी हो गया टेक में। कुछ बता दे यार, सीक्रेट बता दे। सच्ची बता, सीक्रेट इज टीम बिल्डिंग। लोग इतने सालों से कर रहे हैं, मैं अभी चालू कर दिया करना। सीक्रेट इज भाई थोड़ा आपसे प्यार। यस बाकी सारी चीजों में पूरे भाई ये क्या कर रहा है? लोग से ज्यादा TWS तो हमारे घर पे हम बेचते हैं जाके। हर दिन अलग ईयरफोन। अरे भाई ये तो काफी अलग से भाई। मिथ पैड ने टेक चैनल शुरू कर दिया। अब मिथ पैड हमारे कॉम्पिटिशन में आ गए। मिथ पैड नहीं है वो डॉक्टर यंत्र है यार। तू उसको जाके मारना, मुझे क्यों बोल रहा है? हाँ मतलब वो दिखता है ना तेरे जैसा, इसलिए। आर यू एक्साइटेड भाई? तुम मिथ पैड मेरे को मारने वाले वीडियो में, क्योंकि उसने बोला कि नहीं भाई अब तो मैं वो अकेला ही टेक चलाने वाला। मैं डरा हूँ थोड़ा सा। हमने टेक ओवर कर लिया है मिथ पैड भाई। मैं बिथपैट नहीं हूँ, मैं डॉक्टर यंत्र हूँ। मैं बैकग्राउंड में आपका फोटो यूज कर सकता हूँ क्या भाई? भाई आप मुझे भी यूज कर सकते हो, आपके नाम से व्यूज ले लिया। सॉरी भाई, बड़े काम करते ना टेक में, वैसे भी भाईचारा बहुत कम है तो हम दोनों भाईचारा करते हैं ना टेक में। हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका इसका क्या अभी? ये तो रखा दो, अभी ठीक हो जाएगा 2-3 वीडियो में। बहुत ये भाई का दूसरा हाथ बहुत तगड़ा है। ये देखो क्या किया इन्होंने। मैंने ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा सा ओनली यूज 10% ऑफ हिज पावर। मसाज कर रहा था मैं, मसाज तो सही रहता है। यस ये वो होता है ना पीछे डालते हैं गोल गोल वाला मसाज, उसी से मेरे का हाथ पे किया उन्होंने बस। जैसे आई थिंक पहली बार मेरा था ना, तो ही इज लाइक 1.5 foot taller than and he is very big. ज़्यादा बड़ा 1.5 foot ज़्यादा बड़ा। नहीं नहीं भाई, प्रोजेक्ट के हिसाब से तू 5 feet का होना चाहिए। एंड मेरे को भाई जेन्युइन थोड़ा सा ना इंटिमिडेशन होता है जब मैं साथ में खड़ा हूँ, तो देर इज नो पॉसिबल वे। बट भाई आई होप आपको वीडियो पसंद आई। चल बाय 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 सी या। ये अंबानी का घर है सामने मेरा। बहुत प्यारा बंदा यार, मतलब
मेरे को अच्छा नहीं लगा वो मार पिटाई में जाके। बट यार मैं सही बताऊँ, मैं ना बहुत कम क्रिएटर लोगों से एफर्ट करता हूँ मिलने पार्ट से मिलने वन करते हैं, उसका इंटेंशन काफ़ी प्यारा सा रहता, बढ़िया लगता है। लव यू मिथिलेश भाई। बट अभी हम जा रहे हैं विसर्जन देखने। मैंने सुना कि क्या बोल रहे हैं गणपति बप्पा मोरया जो इन्होंने बोला। It means come next year early. अच्छा अच्छा सही। It means गणपति बप्पा मोरया पुढच्या वर्षी means next year come early. ये मेरा पहली बार था जब मैं गणेश विसर्जन देखने गया था। मेरे लिए एक काफ़ी नया एक्सपीरियंस था, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और मुझे बहुत ही ज़्यादा एक अलग सी एनर्जी फील हुई। पूरी मुंबई की जो जर्नी थी उसको कंक्लूड करने का काफ़ी एक पॉजिटिव सा तरीका था। मेरी मम्मी गणेश जी को काफ़ी मानती है एंड यहाँ पे इतने सारे लोग जो सब एक्साइटेड हैं इस फेस्टिवल को लेके, इतने सुंदर तरीके से गणेश जी सारे बनाए थे, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स बनाने की कोशिश करेंगे हर रोज़ सुबह 8 बजे और नेक्स्ट के कुछ व्लॉग्स में हम आपको लाइफ के काफ़ी अंदर के सच बताने की कोशिश करेंगे। तो भाई मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।